राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय महालक्ष्मी। जीतने का मजा तभी आता है जब सामने वाले हमारे हार का इंतजार करें। मनुष्य को उस बहते हुए पानी की तरह होना चाहिए जो अपना स्वतः ही रास्ता बनाती है। पत्थर बनकर किसी के राह की रुकावट नहीं बननी चाहिए। मैं राजा उपाध्याय आपका बहुत स्वागत करता हूं आपके इस बेहद खास प्रोग्राम में जिसका नाम है क्या कहते हैं आपकी ग्रह दशा। दीपावली का पर्व आ रहा है, सभी को त्योहारों की बहुत ही उत्सुकता रहती है। मेरे भगवती ग्रुप की तरफ से आपको ढेर सारी दीपावली की शुभकामना और शुभेच्छाएं। नया साल उसी समय आता है, उसके आगे दीपावली के बाद उसकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी पूजाएं करते हैं, सभी पूजाओं की अलग अलग कथाएं रहती है। हमें बहुत उत्सुकता से हर चीजों को जानने की इच्छा रहती है। धनतेरस है 13 तारीख को, काली चौदस नरक चतुर्दशी है 14 तारीख को, 15 तारीख को है अमावस जो दीपावली का पर्व मनाया जाएगा, 16 तारीख को है भाई दूज। फिर से मैं बता दूं, एकम इस बार क्षय है, 16 तारीख को भाई दूज मनाया जाएगा। इन त्योहारों को तिथि के अनुसार ही कीजिए, पूरा उत्सव की तरीके से मनाइए, इसे खुशियों की तरह खुशियां लीजिए और खुशियां बांटिए। रोजाना थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ इन 5 दिनों के अंदर थोड़ा थोड़ा दान भी करते रहिए, जिससे जीवन में अनजाने में भी हुई आपसे भूल चूक वह भी आपसे दूर हो जाएगी। हमें करना इतना ही है कि हर चीजों का महत्व हमें जानना जरूरी है। धन्वंतरी जी तेरस के दिन, हम धनतेरस के दिन महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? धन्वंतरी जी का प्रगट्यमान कैसा हुआ, महालक्ष्मी जी का उस दिन प्रगट्यमान कैसा हुआ, चलो मैं आज आपको बताता हूँ। महालक्ष्मी जी का जन्म किसी अर्थ के अनुसार हुआ था। एक दिन दुर्वासा ऋषि पृथ्वी पर भ्रमण के लिए घूम रहे थे। घूमते घूमते उन्हें विद्योधरी देवी यानी जो महारानी थी उस समय की, वह हाथ में पारिजात का फूल लेकर माला लेकर, पारिजात के फूल की माला लेकर वहां घूम रही थी। पारिजात के फूल की सुगंध इतनी मनमोहक होती है कि सामने वाला किसी भी हालत में अट्रैक्ट हो जाता है हमसे, इतनी अच्छी सुगंध रहती है। दुर्वासा ऋषि का उस माला जो पारिजात के फूल का हार था उस पर अपना मन आ गया और उस विद्योधरी को कहा कि हे देवी, ये फूल का हार तुम मुझे दे दो। विद्योधरी ने उधर उस फूल का हार दुर्वासा ऋषि को दिया और देवी ने प्रणाम करके उधर से चली गई। थोड़े से ही देर में इंद्र भगवान अपने एरावत हाथी पे बैठकर नगर भ्रमण कर रहे थे। तभी दुर्वासा ऋषि ने कहा, इतनी सुगंधित जो फूल है ये सबको आकर्षित कर सकता है। भंवरे इस पे विद्यमान होने लग गए, घूमने लग गए थे भंवरे, तो दुर्वासा ऋषि ने फूल का हार उठाया और इंद्र भगवान के ऊपर फेंक दिया। इंद्र भगवान के गले में जैसे ही हार आया तो इंद्र भगवान ने उतार कर एरावत के गले में रख दिया, तो एरावत ने अपनी सूंड से उस फूल का हार लेकर जमीन पे पटक दिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दे दिया, हे इंद्र, तुझे जिस चीजों का घमंड है, तेरे पास धन धान्य समृद्धि है, वह सभी तीनों लोकों में नष्ट हो जाएगी और त्राही माम होगा। दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधित हुए और इंद्र भगवान को यह श्राप दे दिया। इंद्र भगवान ने कहा, अगर इस तरह से होता है तो देवताओं की कहीं पूजा नहीं होगी और कहीं मान्य होंगे नहीं। तब महालक्ष्मी जी प्रागट्य हो चुका था लेकिन महालक्ष्मी जी को कोई जानता नहीं था। दुर्वासा ऋषि को लाखों विनती करने के बाद इंद्र भगवान लाखों विनती करी उनसे और कहा कि अगर आपने मुझे श्राप दे दिया तो कहीं देवताओं की पूजा नहीं होगी, सभी नरक तुल्य हो जाएगी सभी जगह। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, अगर समुद्र मंथन के साथ जिस देवी का प्रागट्य होता है वही लक्ष्मी रूप में प्रकट होगी और पूरे संसार में सुख समृद्धि करेगी। तब समुद्र मंथन हुआ, जो शंकर भगवान के गले में वासुकी नाम का सांप था उसने समुद्र मंथन में अपनी बहुत सहायता की। जैसे ही धन्वंतरी जी प्रागट हुए उस समुद्र मंथन में तो अपने साथ बहुत सारा धन, बहुत सारी अच्छी अच्छी गुड विशेष लेकर आए और तभी उसके बाद कोड़ियों की बौछार के साथ महालक्ष्मी जी का जन्म हुआ। इसलिए धन्वंतरी जी ने ही महालक्ष्मी का भी प्रागट्यमान माना जाता है। कहते हैं जिस दिन धन्वंतरी जी, धनतेरस के दिन जिस घर में महालक्ष्मी जी और धन्वंतरी जी की पूजा होती है वहां से सुख समृद्धि अपना पैर कभी नहीं हटाती है। धनतेरस के दिन हमेशा सुमुहूर्त विधि विधान से महालक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। उस दिन धनतेरस के दिन अगर घर के अंदर साफ सफाई ना रहे और सुख शांति ना रहे, कलेश होता है, तो महालक्ष्मी की बहन जिसका नाम है दरिद्रता,
महालक्ष्मी जी के साथ दरिद्रता भी आती है, लेकिन जिस घर में साफ सफाई और सुख शांति रहती है महालक्ष्मी वहां विराजमान हो जाती है और कलेश होने वाले घर के अंदर माँ दरिद्रता बैठ जाती है। आपको दरिद्रता माँ को नहीं लाना है, घर में महालक्ष्मी को लाना है। धनतेरस के दिन आप महालक्ष्मी जी की पूजा कर कर हमारे जीवन में चमत्कार देखिए और खुशहाली लाइए। अब धनतेरस के दिन आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। आपको इतना सा करना है कि मैं एक विशेष जो उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे महालक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न होगी। आपको उस दिन फल के रूप में माता लक्ष्मी को अनार चढ़ाना है। हर देवियों को अनार बहुत ही प्रिय फल रहता है। 5 प्रकार के फल अलग अलग ले सकते हो। अभी सीताफल का भी सीजन है, केले ले लीजिए, अनार ले लीजिए और एप्पल ले लीजिए। मौसम भी अभी सीजन के हिसाब से आप फल 5 प्रकार के ले सकते हैं। लेकिन धनतेरस के दिन अपने घर के आगे गन्ने का जो होता है, गन्ने का जो पेड़ जो टाइप होता है, लकड़ी टाइप होता है, गन्ने का वह झाड़ हमारे घर के आगे जरूर रखना है, क्योंकि उस झाड़ के नीचे महालक्ष्मी जी का वास होता है। आप ये चीज उपाय ये कीजिए, छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन इसका रिजल्ट इतना अच्छा फायदेमंद होगा जिससे आपके जीवन में चमत्कार होगा। काली चौदस नरक चतुर्दशी के दिन आपको करना इतना है, काले कपड़े के अंदर एक खिल, खिल्ली बोलते हैं जिसे, एक खिल थोड़े काले अड़द जिसे उड़द बोलते हैं, काले उड़द, एक खिल और एक नारियल अपने काले कपड़े में बांध कर अपने घर में सीधे हाथ की तरफ से घुमाकर उसे हनुमान जी के मंदिर पे 6 बजे संध्या टाइम पे 6 बजे सूर्यास्त के बाद आप मंदिर में जाके उसे रख दीजिए। आपकी सर्व मनोकामना सिद्ध होगी और घर के अंदर जो भी तंत्र मंत्र किया हुआ वह दूर होगा। 100 साल पुरानी नजरें दूर होगी, सर्व मनोकामना आपकी सिद्ध होगी। अमावस के दिन क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। अमावस के दिन आपको नियम लेना है, गाय की सेवा करनी है। गाय को जब भी आपको समय मिले तो थोड़ा चारा और नमक डालकर उसे गाय को खिलाइए। दूसरा, कुत्ते की सेवा कीजिए, नमकीन बिस्किट, नमकीन ब्रेड आप कुत्ते को खिलाइए जिससे आपके राहु केतु अच्छे होंगे। आपको अपने माता पिता की सेवा कर कर कुंडली के सूर्य चंद्र ठीक कर सकते हैं। अगर भी आपको विशेष उपाय चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना। जय श्री महा।